बिहार की हर एक जिले की खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी दबाएं, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी मिल सके। मुंगेर में आज दिन सोमवार और तारीख 29 अप्रैल और यह दिन था देश के लोकतंत्र के महापर्व का, जहां चौथे चरण के मतदान का आज छिटपुट घटनाओं के साथ पूरी तरीका से प्रशासन के सहयोग से संपन्न हो गया। मतदान को पूरे संपन्न कर दो नेताओं के दिग्गज के भाग्य के फैसलों के साथ हवम में कैद हो गया। छिटपुट घटनाओं की खबर कहा जाए तो मुंगेर के सबसे पहले धरहरा थाना क्षेत्र के 43 और 46 बूथ संख्या पर ईवीएम की कुछ खराबी के कारण कुछ घंटे विलंब से मतदान की शुरुआत हुई। वहीं मुंगेर जिले में आसपास के गांव देहात से प्रशासन के सहयोग से एनडीए के समर्थन में बिग बॉस वोट दिलाने की सूचना सामने आई। वैसे तो प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि जिले के चाहे जो भी मतदाता हो और जहां भी हो, मतदाता को यह निश्चित तरीका से प्रशासन संतुष्ट कर देती है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत कुछ भी देखने पर बख्शा नहीं जाएगा और उसकी त्वरित कार्यवाही करेगी। और इस चुनौती को जिस तरीके से मुंगेर जिले के प्रशासन ने स्वीकार किया है और उनको करके भी दिखाया है, मुंगेर नक्सल जोन होने के कारण तथा यहां से दो बड़े दिग्गजों के चुनाव लड़ने के कारण समूची जिले सहित भारत के अनेक राज्यों में केंद्र बिंदु पर था। अब परिणाम 23 मई को आने वाले निर्वाचन आयोग के दिए फैसले द्वारा प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेगी। फिलहाल मुंगेर में कुल मिलाकर 19 लाख मतदाता थे, जिनमें से 60% आदमी ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाया। वहीं जमालपुर में मॉडल बूथ की भी व्यवस्था की गई थी, जहां पर जिला के आइकॉन बने नेहा गुप्ता ने मतदान कर मीडिया के समक्ष अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही लोगों से अपने घर से निकलकर पहले मतदान फिर जलपान करने का अनुरोध किया। कृपया आज करके वोट दें, बिकॉज हमारा देश का विकास एक वोट पे ही है और ये हमारी जिम्मेदारी है और प्लस हमारी ताकत है, बिकॉज हमारे एक वोट से कोई भी एक पार्टी जीत सकती है, कोई एक हार जाती है। तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हर एक वोटर्स इम्पॉर्टेंट है। एंड इस बार का हमारा यही है अपील है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी वोटर्स शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, सो प्लीज़ कम एंड प्लीज़ वोट। मैंने अपना वोट कर दिया है, बस आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप भी आए और अपना वोट दें। आपका नाम? मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता हूँ। मैं मिसेज इंडिया इंटरनेशनल की विनर हूँ 2017 की। मैं मिसेज ग्लोबल वर्ल्ड हूँ की फर्स्ट रनर हूँ, जो मॉस्को में हुआ था। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और मैं अभी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट आइकन हूँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। लखीसराय विधानसभा और सूर्यगढ़ा विधानसभा में आज मतदान हुए। संपन्न लखीसराय विधानसभा में मॉडल बूथ पर महिलाओं के लिए अच्छे सुविधा देखकर महिलाओं में खुशी देखी। वहीं नगर परिषद की ओर से दिव्यांगों के लिए रिक्शा का सुविधा और साथ में नगर कर्मचारी रितेश कुमार विकलांगों को बूथ पर चाने उतारने में कर रही सहायता। कुछ बूथों पर ललन सिंह और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच हुई झड़प, मौके पर पहुंचे वरीय पदाधिकारी मामले को समझा कर किया शांत। लखीसराय जिले में आज लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने जन्मभूमि बढ़िया में मां बाला त्रिपुर सुंदरी का दर्शन कर मतदान किया। और वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि 200% एनडीए की जीत होगी, बिहार में पिछले बार से अच्छा रिजल्ट होगा। बिहार की हर एक जिले की खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी दबाएं, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको जान